हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंड्रे देतीमन। सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऐतिहासिक फैसला रहा है कल की डेट में, तो ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती और अन्य भर्तियों पर इसका क्या असर रहेगा? ऑर्डर कॉपी जो है वो जारी हो चुकी है। यहां मैं आपको बता दूं कि इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुनाया गया है कोर्ट ने, और अपने फैसले में कहा है कि बीएड डिग्री के आधार पर अब प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारकों को शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। केंद्र सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के पुराने फैसले को जो है वो सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद देश भर में उन बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो प्राथमिक में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अभी सीटेट एग्जाम जो है वो होने को है, तैयारी जो है वो जोरों शोरों से बच्चे कर ही रहे हैं, चाहे वह बीटीसी वाले हों चाहे बीएड वाले हों। ठीक है, ऐसे में जो है एग्जाम से पहले एक बड़ा जो है वो झटका लगना और फिर तैयारी जो है वो सुचारू रूप से चलाए रखना, तो ये जो है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है स्टूडेंट के लिए। लेकिन बच्चों ने जो है वो फॉर्म फिल किया है, तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल कदम पीछे ना रखें। चाहे कोई भी फैसला आए, आपने जो है यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, एडमिट कार्ड आपका आता है, तो आप बिल्कुल एग्जाम देने जाएं। अब अगर आपने एग्जाम भी नहीं दिया और कोई ऐसा नोटिस जो है वो आ गया कि सीटेट का जो है वो एग्जाम जिन स्टूडेंट ने दिया है, बीएड डिग्री धारकों ने, यदि वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो ये जो एग्जाम दिया है तो ये जो है वो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। अब कौन कौन से स्टेट जो है वो पहले जो है इस चीज की पहल करते हैं, नोटिस आता है, तो ये जो है वो देखने वाली बात है। और अभी जैसे ही आता है नोटिस मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो ये एग्जाम जो है वो ना देने की गलती जो आप नहीं करें। ठीक है, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यदि आपने फॉर्म भरा है तो हो सकता है कि कोई चांस जो है वो बन जाए और बिहार की तरफ से, बिहार राज्य की तरफ से यहां पर भी कोई नोटिस जो है वो जारी हो जाए। चंडीगढ़ जेबीटी में जो है वो कुछ ऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ऑर्डर आ गया है, अब हर राज्य की तरफ से जो है ये ऑर्डर निकलेंगे। ठीक है, तो शायद कोई कंडीशन ऐसी बन सकती है जहां पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है, 6 महीने निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सीटेट एग्जाम होने के बाद आपका जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम होता है तो उसमें 6 महीने जो है वो बीत ही जाते हैं। ठीक है, ये चीज जो है वो आप मानिए। तो बिल्कुल भी है हरेश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, शायद कोई कंडीशन जो है वो बन सकती है। एग्जाम आप जरूर दें, सीटेट एग्जाम अगर आपने फिल किया है जरूर दें, बिहार प्राथमिक भर्ती शिक्षक भर्ती आप जरूर दें, चंडीगढ़ जेबीटी का आपने फॉर्म भरा है तो आप जरूर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राथमिक में शिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं, शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार और एनसीपीई की याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही सुनाया। यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस फैसले के बाद सिर्फ बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 के पात्र होंगे। अब ये जो है वो भारत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये आप तो सभी जानते ही हो। ठीक है, फिर भी जो है आप लोग बिल्कुल मजबूती जो है वो बना के रखें, परेशान बिल्कुल ना हो, जो ये सोचते हैं कि हमारे पास केवल यही चांस था, अब ये चांस भी हमसे छिन गया। कुछ भी जो है हो सकता है, कोई ऑर्डर जो है वो अभी निकल कर आ जाए, क्योंकि राज्य जो है उनकी तरफ से भी जो है ये होता है कि कोई ना कोई नोटिस जो है वो जारी होगा ही, है ना। उसका सॉल्यूशन अगर कुछ निकलता है तो जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। अब उस फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी कर दिया। अपने फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दलीलों, उनके आधार पर दिए गए फैसलों पर अपनी मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए केवल बीएड होने की सूरत में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए बीटीसी और डीलेट जो है वो करना अनिवार्य होगा। अब ये चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। लेकिन अभी भी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो जो है वो राज्य की तरफ से कोई फैसला जो है इस तरीके का आ जाए फटाफट से, कि 6 महीने का जो है वो ब्रिज कोर्स जो है जो भी बीएड धारी कर लेंगे तो वो प्राथमिक में जो है वो योग्य हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी भर्तियां जो है वो अभी है, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती इतनी सारी वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा जो है सीटेट जो अभ्यर्थी पास कर लेंगे तो सुपर टेट की वैकेंसी है, अन्य राज्यों में भी बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आने को है, क्योंकि लिस्ट जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी शिक्षक भर्ती की आएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान न हो, सीटेट का एग्जाम, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम, चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम, ये सभी जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है बिल्कुल देने जाए, अपनी तैयारी जो है वो चालू रखें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।